नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। गंगा में लगातार पानी बढ़ने के चलते प्रशासन ने नाव चलाने पर रोक लगा दिया है, बावजूद लोग जान हथेली पर रखकर अपनी यात्रा कर रहे हैं। जमनिया कोतवाली क्षेत्र के नगर पालिका परिषद स्थित मुन्नन घाट पर मंगलवार को 7:30 पर नाव के संचालन होने की सूचना पर उप जिलाधिकारी के निर्देश पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक नाव को सीज किया और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोतवाली ले आई। उप जिलाधिकारी विनय कुमार गुप्ता ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि नगर के मुन्नन घाट पर नाव का संचालन किया जा रहा है, जिस पर कोतवाली पुलिस के मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया गया और स्वयं भी मौके पर पहुंचे। मौके पर एक नाव में करीब 20 मोटरसाइकिल और के साथ ही दर्जन भर यात्री सवार थे। पुलिस ने सभी को नाव से नीचे उतारा और नाव सहित 2 संचालकों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि नदी में पानी अधिक है, जिससे नाव के संचालन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। बिना आदेश के नाव के संचालन अगर कोई करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। रात के समय इन नावों पर ले जा रहे थे आदमी को उस पार और ओवरलोडेड थी। सूचना मिली और हम लोग यहाँ आए और नाव को सीज कर लिया है और इनके परिचालन रात को शाम के बाद तो नहीं हो सकता है, और कल कोई इनके पास अगर कोई परमिशन होगी तो मैं उस पर देख कर सबको कार्रवाई करूंगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।